भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युरमा अमृतं गमय। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जीवन अनादि है, अनंत है। हमारे भीतर ज्ञान भी अनंत है, संवेदनाएं भी अनंत हैं, हमारा सामर्थ्य ऊर्जा भी अनंत है, जीवन ही पूरा अनंत है। योग ध्यान समाधि के द्वारा अपने भीतर के इस असीम अनंत अपरिमित ज्ञान संवेदना शक्ति सामर्थ्य को हम जानते हैं। को हम काच मे शक्ति ही इति चिंतित मुहुर्मुहु। स्वयं को जानते हैं, स्वयं को जगाते हैं और अपनी शक्तियों को सामर्थ्य को विद्या विभूति कुशलता को ऐश्वर्य को सही दिशा में लगाते हैं, उपयोग में लाते हैं। इसलिए योग का और जीवन का जो प्रयोजन है वह है स्वयं को जानना, जगाना और सही उपयोग में लाना। इस क्रम में अपने भीतर अनादिकाल से जो अशुभ संस्कारों का वासनाओं का जो संचय है, उन संचित कर्मों को संचित संस्कारों को वासनाओं को हटाने और मिटाने के लिए महर्षि पतंजलि ने विधान किया, पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसवाह कैवल्य स्वरूप प्रतिष्ठावा चित शक्ति थे। अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर के अनादिकाल से जो प्रवाह चलाया हुआ है कर्मों का, वासनाओं का, संस्कारों का, इनका प्रतिप्रसव कर देना, इनको दग्ध बीज कर देना, निर्बीज कर देना, इसके लिए समाधि योग का अभ्यास, साधन योग का अभ्यास, क्रिया योग अष्टांग योग का अभ्यास, धारणा ध्यान समाधि संयम प्रज्ञालोक का योग की विभूति का अभ्यास विभूति योग, आत्म संयम योग उद्धरेत आत्मना आत्मानम नात्मानम अव साधये, इसके लिए कैवल्य योग प्रतिप्रसव योग का अभ्यास,
शब्दांतर से इसे ही चाहे हम राजयोग कहें, हठ योग कहें, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ध्यान योग, मोक्ष संन्यास योग, ध्यान में बैठते ही सबसे पहला हमारा कर्तव्य है कि हम भगवान को अर्पित कर दें स्वयं को। प्रभु हम आपकी शरण में, भगवत शरणागति। एक ब्रह्म के सिवा, एक भगवान के सिवा कोई भी नाम और मंत्र का आश्रय लिया, ओम ओम तत्सत, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, एक ओंकार सत्, सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति यदिच्छन्त ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहिण ब्रवीमि ओम इत्येत। ओंकार के साथ एकाकार हो करके, ओंकार का अर्थ भावना पूर्वक जप करते हुए, तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थ भावना, अवरक्षण गति कांति प्रीति तृप्त्यवगम प्रवेश श्रवण स्वाम्यर्थ याचन क्रियेच्छा दीप्त्यवाप्त्यालिंगन हिंसा आदान भाग वृद्धिश। ऐसे जो ओंकार के मुख्य 20 अर्थ बताए महर्षि पाणिनि ने, इन अर्थों से उस भगवान के अनंत गुण कर्म स्वभावों का चिंतन करते हैं, भगवान के अनंत सामर्थ्य का, अनंत ऐश्वर्य का चिंतन करते हैं, अनंत महिमा का चिंतन करते हुए उस महिमा को अनुभव करना, ये भगवान की सगुण साकार उपासना है, यह उसकी मूर्त उपासना है, यह उसका प्रत्यक्ष है, भगवान का प्रत्यक्ष ही उसके अनंत गुण कर्म स्वभाव, ये भगवान का विश्वमय रूप है, और इस विश्वमय रूप को हम भगवान के अनंत गुण कर्म स्वभाव से, भगवान की जो अनंत दिव्यता है, दिव्य सामर्थ्य है, विद्या विभूति ऐश्वर्य, नाम और मंत्र का आश्रय लेकर के ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, भगवान की भक्ति में तल्लीन हो जाते हैं, भगवान के प्रति गहरी अभीप्सा, भगवत दर्शन की गहरी प्यास, आस विश्वास, तड़फ लगन, तितिक्षा मुमुक्षत्व, और इस मार्ग से जो हमें हटाए उसको हटाते जाना, उसको मिटाते जाना, उसको वैराग्य कहा, दृष्टानुश्रविक विषय दृष्टि से स्वीकार संचय वैराग्यम, तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैदृश्यम, परिणाम ताप संस्कार दुख गुण वृत्त विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिना। जो भगवान के मार्ग से हमें हटाए विवेक के द्वारा उसको हम हटा दें, इसी को कहा ज्ञान से उपराकाष्ठ वैराग्यम, अभ्यास वैराग्य अभ्याम तन्निरोध ईश प्रणिधानाद्वा तीव्र संवेगानाम आसन्न तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावना। प्रभु से प्रार्थना, प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त न धर, प्रभु मुझे जागते हुए सोते हुए कोई विकार न आए, कोई अंधकार न आए, आप ही मुझे बचाएं प्रभु, मैं आपकी शरणागति में, ऐसे प्रार्थना पूर्ण हृदय से भगवान का भजन करते हुए, भगवान की प्रार्थना करते हुए, ये याचना करते हुए, प्रभु आप हमें संभालो, अपनी शरण लगा लो प्रभु, जागते हुए मेरे अंतर मन में जो विकार उठते हैं, दुर्विचारों से, दुर्भावनाओं से, दुष्कर्मों से पूछे प्रभु मुझे बचाओ, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास, अशुभ से हटाओ प्रभु, पाप धर्म से बचाओ प्रभु,
और जो उत्तम गुण कर्म स्वभाव है प्रभु, उनको मुझे प्राप्त कराओ प्रभु, उसमें मेरा विश्वास बढ़ाओ प्रभु। जागते हुए भी मन में कोई अशुभ ना आए, स्वप्न अवस्था में भी कोई अशुभ ना आए, मेरे भीतर से कोई विकार ना उठे प्रभु, और बाहर का कोई आलंबन भी मुझे विचरित न कर पाए, सदा आपके आलंबन में मैं रहूं। हर श्वास के साथ भगवान नाम का स्मरण और प्रभु से प्रार्थना, प्रभु अब तो उभारो मुझे, मैं आपकी शरण में हूं प्रभु। समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, समदर्शी प्रभु, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, अपने पन ही करो प्रभु जी मोरे, अब गुण चित्त न धरो प्रभु जी मोरे, अवगुण चित्त न धरो। लोहा पूजा मेरा खत, एक लोहा पूजा मेरा खत, एक घर पथिक परो, एक लोहा पूजा मेरा खत, एक घर पथिक परो, यह दुविधा पारस नहीं जानत, यह दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत करो प्रभु जी मोरे, अवगुण चित्त न धरो प्रभु जी मोरे, अवगुण चित्त न धरो। एक नदिया एक नार कहावत, एक नदिया एक नार कहावत, मिलो नीर भरो, मिलो नीर भरो, जब मिल के दो एक वरण भय, जब मिल के दो एक वरण भय, सुर सर नाम पढ़ो प्रभु जी मोरे, अवगुण चित्त न धरो प्रभु जी मोरे, अवगुण चित्त न धरो।
एक जीव एक ब्रह्म कहावत एक ब्रह्म एक जीव एक ब्रह्म कहावत सूर श्याम झगड़ो एक जीव एक ब्रह्म कहावत सूर श्याम झगड़ो अब की बेर मोही पार उतारो अब की अब की बेर मोही पार उतारो नहीं पन जात करो प्रभु जी मोरे अवगुण चित्र न धरो प्रभु जी मोरे अवगुण चित्र न धरो समदर्शी प्रभु नाम तिहारो समदर्शी प्रभु नाम तिहारो अपने पन ही करो प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो भगवान की शरणागति में रहे भगवान के आश्रय में भगवान की कृपा को अनुभव करते हुए भगवान की दिव्य सन्निधि में दिव्यालंबन में प्रभु आपके दिव्य ज्ञान से आपके दिव्य प्रेम करुणा वात्सल्य आनंद सुख शांति प्रसन्नता से आपकी दिव्य संवेदनाओं से आपकी दिव्य शक्ति सामर्थ्य विद्या विभूति ऐश्वर्य से आपके दिव्य मति से भक्ति से कृति से प्रकृति से मैं सदा रंगा रहूं उसी से सदा आप्लावित रहूं तेरे आशीषों को तेरे अनुग्रह को हर पल प्रभु अनुभव कर श्वासों के साथ ओंकार या गायत्री आदि मंत्रों का जप करते हुए अपने ही स्वरूप में शरीर इंद्रियों और मन के पार स्थूल सूक्ष्म कारण इस शरीर है इनके भी बड़े घटक हैं पंच ज्ञानेन्द्रियां और उन ज्ञानेन्द्रियों के विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध कर्म और कर्म इंद्रियों का भी पाणी पाद पायु पस्थ वाक इंद्रिय के जो विषय है कर्म मन बुद्धि चित्त अहंकार और मन का एक विराट संसार है प्रभु इनके पार मैं अपने आत्मस्वरूप को कभी विस्मृत ना होने दूं आपकी सन्निधि से आपके आश्रय से नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युतः स्थितोस्मि गत संदेह मैं स्थिर हो जाऊं अपने स्वरूप में कोई संदेह कोई संशय भ्रम उलझन गफरत कंफ्यूजन कोई अंतर्द्वंद्व मेरे मन में ना रहे नष्ट हो मोह स्मृतिर लब्धा अपने आत्मस्मृति में आत्मस्वरूप में मैं निरंतर बना रहा स्थिरता रहे मेरे अपने स्वरूप में अपनी निजता में अपने भीतर के दिव्यता में पूर्णता में प्रतिष्ठित रहूं
गत संध्या करिष्ये वचनम था। हे मेरे परमात्मा, मेरी आत्मा में जो आप प्रेरणा देते हो, जो आज्ञा निर्देश संदेश उपदेश देते हो, आपकी शरणागति में रहूं और जो आप कहें वही मैं करूं। संश्रुतेन गवे महिमा श्रुतेन विराधीशी, आपकी आज्ञा में ही चलूं, मनसा वाचा कर्मणा मैं वही करूं जो भगवद आज्ञा है, प्रभु आपकी आज्ञा है, आपका निर्देश है। ऐसे श्वासों के साथ ओंकार का गायत्री का जप करते हैं, अपने मन को एक चक्र विशेष में ठहरा करके, हृदय चक्र में, आज्ञा चक्र में, मणिपुर चक्र में जैसी दैहिक और मानसिक आवश्यकता हो, यदि मधुमेह आदि रोग हैं, उदर रोग हैं, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं या सेक्सुअल डिजायर्स हैं, तो मणिपुर चक्र में मन को केंद्रित करना। यदि श्वसन तंत्र के और हृदय तंत्र के रोग हैं तो हृदय चक्र में मन को केंद्रित करना। हृदय में कई प्रकार की कुंठाएं हैं, कई प्रकार की व्याधियां हैं, कोई भी श्वास का रोग है या हृदय का रोग है तो हृदय तंत्र में दोनों स्तनों के मध्य में अपने मन को केंद्रित करना। और मन बहुत अशांत है, चंचल है, अनियंत्रित है, तो साथ में कपालभाति अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कर लेना। प्रसार्धन विधारणाभ्याम आप्राणस्य मनसः स्थिति निबंधे। चित्त की प्रसन्नता के लिए, मन की एकाग्रता के लिए, तन और मन की जो कलुषितताएं हैं उनको मिटाने हटाने के लिए ततक्षेते प्रकाश श्रवणम धारणा सुच योग्यता मनसा। धारणा ध्यान समाधि के लिए प्राणायाम का आश्रय ले सकते हैं, जिनका चित्त योग में, ध्यान में, समाधि में, भगवान में नहीं लगता, प्राणायाम का भी आलंबन हृदय चक्र में मन को टिकाए तो अपने आप हृदय में एक अंतर ज्योति जागृत होने लगती। और उस अंतर्ज्योति में, अंत प्रकाश में, आत्मज्योति में, ब्रह्मज्योति में हम समाहित होने लगते हैं। अपने ही स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं और अपने आत्मा में परमात्मा के प्रकाश को अनुभव करने लगते हैं। जिनको काफ, अस्थमा, दमा कोरोना, थायराइड, पैराथायराइड, स्नोरिंग स्लीप एपनिया जैसे रोगों की समस्या है, वे विशुद्धि चक्र में अपने मन को टिकाए। जिनको किसी भी प्रकार के स्मृति दोष हैं वे आज्ञा चक्र में, और जिनकी तन में, मन में कोई व्याधि नहीं है तो वह सहस्रार में मन को टिका दिए और भगवान के हो गए। प्रभु आपकी शरण में अब तो उभारो, प्रभु अब तो अपनी शरण में ले लो,
तो अपनी आवश्यकता के अनुसार मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर हृदय विशुद्धि आज्ञा भ्रुकुटी सहस्रार चक्र में मन को टिका करके अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या तस्याम हृण्य कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृत आत्म ज्योति में ब्रह्म ज्योति में मन को टिका दिया और पिंड में ब्रह्मांड में उसी भगवान की अनंत महिमा को अनुभव किया। केंद्र से लेकर के परिधि तक, पिंड से लेकर के ब्रह्मांड तक प्रभु आप ही की महिमा का विस्तार है। ये सारा संसार सारा अस्तित्व। ओम सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ओम ब्रह्मेविदम अमृतम पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिणतश्च उत्तरेण अधश्च ऊर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्मेव इदं विश्वं इदं वरिष्ठम्। ओम सर्वं खलु इदं ब्रह्म, वासुदेवः सर्वमीशवास्यमिदं सर्वं सियाराममय सब जगजानी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रभो, कण कण में आप है, क्षण क्षण में आप ही है। ध्यान की इस प्रक्रिया में भगवान के आश्रय और आलंबन में, भगवान की शरणागति में जो बाधा बन करके खड़े होते हैं वो होते हैं हमारे जन्म जन्मांतरों के संस्कार। वो व्याधियों को बढ़ाते हैं और समाधि से हमें वंचित करते हैं। जो प्रारब्ध दोष है उसी को ही मॉडर्न मेडिकल साइंस में जेनेटिक डिजीज कहा जाता है। जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक थायराइड प्रॉब्लम, ओबेसिटी, जेनेटिक हार्ट प्रॉब्लम, जेनेटिक लीवर किडनी प्रॉब्लम, जेनेटिक अर्थराइटिस, जेनेटिक फिजिकल डिजीज, जेनेटिक मेंटल डिजीज, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसी, प्रारब्ध दोष, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जेनेटिक डिजीज, इस सब प्रकार के फिजिकल मेंटल जेनेटिक डिसऑर्डर्स जन्म जन्मांतरों के संचित इस प्रारब्ध दोष से, संस्कार दोष से, इन वासनाओं से पार जाने के लिए जो भीतर हमारे शरीर में अज्ञात रूप से कहीं छिपे हुए हैं, वो व्याधियां, वो कुंठाएं जो हमें बहुत प्रकार से जीवन में कष्ट देती है, उनसे बचने का उपाय है। जागृत अवस्था में हम दो तरह से विकारों से बच सकते हैं। प्रथम, गुरु में, शास्त्र में, वेद में, और गुरु शास्त्र वेद जिस धर्म तत्व की, जिस ब्रह्म तत्व की विवेचना करते हैं, उसके संदर्भ में हमें बोध देते हैं, उसमें हमारी श्रद्धा, गुरु में, शास्त्र में, वेद में, भगवान में, धर्म में, सत्य में, भगवान की कर्म फल व्यवस्था में, न्याय व्यवस्था में हमारी श्रद्धा हो, श्रद्धा की पराकाष्ठा, श्रद्धा का अतिरेक,
यह हमें अशुभ से बचा सकता है। दूसरा तर्क, तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण, जिसमें हम प्रवृत्त हो रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, कर रहे हैं, जो जी रहे हैं, मनसा वाचा कर्मणा, जो कुछ हमारे जीवन में निष्पन्न हो रहा है, आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव के स्तर पर, आचरण के स्तर पर, जो कुछ हम में घटित हो रहा है, जो कुछ हम कर रहे हैं, जैसा हम जी रहे हैं, हमारे थॉट्स के स्तर पर, ज्ञान विज्ञान के स्तर पर, विचारों के स्तर पर, थॉट्स के बाद इमोशंस के लेवल पर, जिन संवेदनाओं में, जिन भावों में हम जीते हैं, जिन संबंधों में हम जीते हैं, जिन संवेदनाओं में हम जीते हैं, और फिर वैसे ही हम करते हैं, इसका हम पर तात्कालिक रूप से, दीर्घकालिक रूप से क्या असर होगा, मुझ पर, मेरे साथ साथ मेरे परिवार पर, आने वाली मेरी संततियों पर, आने वाली पीढ़ियों पर, और मुझ पर ही नहीं, मेरे परिवारों, मेरी संतति पर, मेरे आने वाली पीढ़ियों पर ही नहीं, मेरे समाज पर इसका क्या असर होगा। मेरे देश पर इसका क्या असर होगा। प्रकृति पर, पर्यावरण पर, इस पूरी समष्टि पर इसका क्या असर होगा। दो ही चीजें, दो ही तत्व हैं, दो ही साधन हैं, जो हमें किसी भी अशुभ से हटा सकते हैं। एक, हम तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण से साइंटिफिक टेम्परामेंट रखते हुए कोई भी ऐसा कार्य जिससे हम दुखी होते हैं, स्वयं दुखी होते हैं, या दूसरों को दुख देते हैं किसी भी प्रकार से, किसी भी क्षेत्र में, हम शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में, जिससे हम स्वयं दुखी होते हैं या औरों को दुख देते हैं, उससे हम तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण पूर्वक सोच विचार करके साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ उससे बचें, इसको कहा है प्रतिपक्ष भावना। अशुभ से बचने का एक उपाय, और जो बहुत ज्यादा तर्कशील नहीं है, जो बहुत ज्यादा इस बौद्धिक पछड़े में नहीं पड़ना चाहते, जो कोई नए एक्सपेरिमेंट भी नहीं करना चाहते जीवन के संदर्भ में, जीवन के सत्यों के संदर्भ में, जिनकी गुरु में, शास्त्र में, वेदों में, बड़ों में श्रद्धा है, जिनके कि हजारों लाखों करोड़ों करोड़ों वर्षों से, हजारों लाखों करोड़ों गुरुओं ने, आचार्यों ने, ऋषि मुनियों ने जो जीवन के सत्य अनुभव किए, मैं इस गुरु परंपरा को, इस आचार्य परंपरा को, इस देव संस्कृति को, ऋषि संस्कृति को, वेद संस्कृति को मानता हूं, और अपने गुरुओं के, शास्त्रों के, वेदों के अनुभव से मैं सीख लेता हूं, मैं इसको श्रद्धापूर्वक स्वीकार करता हूं कि जो मेरे ऋषियों ने कहा है, जो मेरे गुरु कह रहे हैं, जो शास्त्र कह रहे हैं, मैं उस पर विश्वास रखूंगा, जिसका विधान किया उससे हरगिज भी नहीं हटूंगा,
और जिसका निषेध किया है उधर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ूंगा। एक क्षण के लिए भी अशुभ का स्वागत नहीं करूंगा, उसको अपने भीतर आदर नहीं दूंगा, अपने भीतर स्थान नहीं दूंगा, उसको गौरव नहीं दूंगा। एक क्षण के लिए भी विचलित नहीं होना, धैर्य नहीं छोड़ना, उत्साह को क्षीण नहीं होने देना। कोई संशय भ्रम अपने मन मस्तिष्क में नहीं आने देना। पूरी निश्चिंतता है, निर्भयता है, स्पष्टता है। मुझे ये करना है, ये नहीं करना है, इधर जाना है, इधर नहीं जाना है, ये सोचना है, ये नहीं सोचना है, ये सुनना है, ये नहीं सुनना है, ये देखना है, ये नहीं देखना है, ये खाना पीना है, ये नहीं खाना पीना है, ये बोलना है, ये नहीं बोलना है, ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसे जीना है, ऐसे नहीं जीना है। विचार के स्तर पर, भावनाओं के स्तर पर, कर्मों के स्तर पर जो ऋषियों ने विधान किया, जो शास्त्रों ने विधान किया, वैसे ही जीना एक यह आलंबन है, एक यह साधन है, यह एक प्रक्रिया है। और दूसरा तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण से स्वयं को और इस पूरी समष्टि को दुखों से बचाना, हिंसा से, झूठ से, बेईमानी से, अनाचार से, दुराचार से, व्यभिचार से, अनीति से, अशुचिता से, असंतोष से, विलासिता से, आत्ममुखता से, नास्तिकता से बचाना, भय से बचाना, भ्रांतियों से बचाना, स्वयं को, दूसरों को, किसी का भी जिससे अहित होता हो उधर प्रवृत्त ना होना। खुद अशांत नहीं होना, औरों को अशांत नहीं करना, सरल सहज रहना, जैसा श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक साधक को, एक योगी को ही नहीं, इस संसार में एक सभ्य व्यक्ति का आचरण कैसा होना चाहिए, सच्चे अर्थों में सिविलाइज कौन है, नैतिक कौन है, सच्चे अर्थों में मानव कौन है, इनको हम मानवीय मूल्य कहें, नैतिक मूल्य कहें, आध्यात्मिक मूल्य कहें, या इसको सिविलाइजेशन कहें, इसको संस्कृति कहें, इसको सभ्यता कहें, नाम जो भी दे। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति ही, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति ही, दानम दमश यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम्, अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम्, दया भूतिशलोलुप्त्वं मार्दुम्भीरचापलम्, तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहणातिमानिता, भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। इसी को महर्षि मनु ने भी कहा, धर्म के, अध्यात्म के, नैतिकता के, मानवीय मानवता के मूल्य क्या, मानवीय मूल्य क्या। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चावधार्यताम, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशाम न समाचरित, धृति क्षमा दमोस्तेयम् शौचमिन्द्रिय निग्रहः
धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। इसी को महर्षि पतंजलि ने कहा, अहिंसा सत्यस्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह यमा शौच संतोष तव स्वाध्याय प्रधानानि नियम। यम नियमा सन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टवंगार योगांग अनुष्ठान शुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति अविवेक ख्याते। तो एक उपाय जन्म जन्मांतरों की संचित प्रारब्ध दोष संस्कार दोष वासना है कर्माशय, इसको हटाने के लिए हम गुरु शास्त्रवेद भगवान की शरणागति में रहे। दूसरा तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण पूर्वक प्रतिपक्ष भावना पूर्वक उससे बचे। एक को श्रद्धा पक्ष कहते हैं, दूसरे को तर्क का पक्ष कहते हैं। अपने मन में भी प्रसुप्त अवस्था में जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश क्लेश प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति रूप जो वृत्तियां, जो साधना के बाधक तत्व हैं, जो अशुभ है पाप है अधर्म है जो विकार है क्लेश है, उनको अलग अलग नाम दिए गए। ये अपने भीतर भी प्रसुप्त अवस्था में होते हैं। एक बालक जिसका भी जन्म हुआ है उसमें भी प्रसुप्त अवस्था में बीज रूप में काम भी है, अभी वो प्रकट नहीं हुआ है, क्रोध भी है उसके अंदर। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, एक दो तीन चार पाँच दस पंद्रह बीस साल का, तो जो बीज रूप में उसमें काम था अब वो अपना काम कर रहा है। वो बीज अंकुरित होता है, उसके दो मुख्य कारण होते हैं। एक उस कि स्वयं की स्थिति कैसी है, उसकी मनस्थिति कैसी है, उसके अभ्यास कैसे हैं, उसका प्रशिक्षण कैसा, उसके प्रशिक्षक कैसे हो, कैसे वातावरण में वो रहता है, क्या खाता पीता है, कैसे वो जीता है, उसका आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव कैसा है, और स्वयं के साथ साथ मैंने कहा दूसरे आलंबन भी कारण बन जाते। जिस तरह के हमारे सामने आलंबन होते हैं, हमारे सामने कला का नृत्य का खेलकूद का मनोरंजन का सुख का दुख का अनुकूलता का प्रतिकूलता का माहौल कैसा होता है, यदि चारों ओर प्रकृति के खूबसूरत नजारे हैं, चारों ओर खुशियां हैं आनंद है उत्साह है, तो अलग हमारी मनस्थिति होती है, परिस्थिति से मनस्थिति पड़ती है। चारों ओर लाशें बिछ रही हैं, रुदन हो रहा है, क्रूरता है, हिंसा है, बर्बरता है, झूठ है, बेईमानी है, भूख है, अन्याय है, शोषण है, पाप है, अधर्म है, अनीति है, उसका भी असर होता है। तो मैं कह रहा था बीज रूप में बालक में भी काम होता है, उसमें भी क्रोध होता है, और वह हम जैसे ही बच्चा एक दो साल का होता है तो उसकी हाव भावों से उसकी चेष्टाओं से हम देखने लगते हैं, जो उसको अनुकूल लगता है उससे खुश होता है, जो अनुकूल नहीं लगता उसको उसका प्रतिकार करता है, उसका विरोध करता है।
अपने हाथों से, पैरों से, अपने वाणी से, व्यवहार से ऐसी चेष्टाएं करता है जिससे उसका क्रोध जो है हम प्रकट होता हुआ देखते हैं, अंकुरित होता हुआ देखते हैं। छोटे छोटे खिलौने से लेकर छोटी छोटी वस्तुओं से लेकर के, छोटी छोटी खाने पीने की चीजों से लेकर के, उसमें हम लोभ भी देखते हैं, उसमें मोह भी देखते हैं अपनों के प्रति, उसमें अहंकार भी देखते हैं। उसको जरा सा नजरअंदाज करो तो उसको स्वीकार नहीं होता। तो प्रसुप्त अवस्था में भी, बालक में भी होते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, उसमें भी प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रमाणानि विपर्यो मिथ्याचानम अतद्रूप प्रतिष्ठा शब्द जानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प अभाव प्रत्यालंबना अभाव प्रत्यालंबना वृत्तिर्निद्रा अनुभूत विषय संप्रमोस स्मृति प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति रूप वृत्तिया। उसमें भी हम हिंसा, छूट, स्ते, ब्रह्मचर्य, उसमें परिग्रह, अशुचिता, असंतोष, तपस्विता, विलासिता, आत्मविमुखता, नास्तिकता, ये देखते और उसी में ही अहिंसा, सत्य, स्ते, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश, अपनेधा, ये सब भी देखते शुभ अशुभ, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, सब है बीज रूप में हमारे भीतर प्रसुप्त अवस्था। तो अपने भीतर की जो प्रसुप्त है, ये जो संस्कार है अच्छे और बुरे, अच्छे संस्कारों को हमें बढ़ाना है। योग का, जीवन का पुरुषार्थ और प्रयोजन, पराक्रम, शौर्य, जीवन की वीरता इसी में कि हम अशुभ को दग्ध बीज कर दे, निर्बीज कर दे, उसको निरस्त कर दे। अशुभ को दग्ध बीज निर्बीज करके, निरस्त करके, उसको हटा करके, उस पर विजय पा करके, और अपने भीतर के शुभ को पूरी तरह से जागृत करके जीवन को उत्सव बना लें, देह को देवालय, शिवालय बना लें, हम देवत्व में, ऋषित्व में, ब्रह्मत्व में आरोहण पा लें। अपने भीतर भी ये विकार पैदा होते हैं, हैं बीज रूप में, क्यों है? श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इस लोक में नहीं, तीन लोक में कोई भी ऐसा अस्तित्व नहीं है जो त्रिगुणों से रहित हो। इसलिए गुण त्रय विभाग योग भी कहा है श्रीमद् भगवद गीता में, श्रद्धा त्रय विभाग योग भी कहा है। तीन तरह के गुण, तीन तरह के कर्म, तीन तरह के स्वभाव, तीन तरह की श्रद्धा, तीन तरह के आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, व्यापार, संबंध है। हम प्रयत्न पूर्वक, पुरुषार्थ पूर्वक, साधना पूर्वक, साधन पूर्वक, संकल्प पूर्वक, अभ्यास पूर्वक, पुरुषार्थ पूर्वक सत्व में प्रथम बने रहे, सब ओर से प्रकाशित रहे, सर्वद्वारेषु देहस्मिन् प्रकाश हो जाए, यह सत्व की स्थिति। एक क्षण के लिए भी कोई अज्ञान अंधेरा हमें घेर ना पाए, अज्ञान और अज्ञान जनित वृत्तियों से, प्रवृत्तियों से, दोषों से, दुर्गुणों से, दुर्विचारों से, दुर्भावनाओं से बचे रहे हम। अपने भीतर के प्रसुप्त विकारों को हम निरस्त करें, इसके लिए ध्यान की साधना है। ध्यानाग्नि में
ज्ञानाग्नि में। योगाग्नि में ज्ञान का एक प्रकाश होता है, भक्ति की भी एक शक्ति, एक प्रकाश होता है, एक ज्योति होती है, कर्म का भी, पुरुषार्थ का भी प्रकाश होता है, ज्ञान का तीव्र आवेग, भक्ति का तीव्र आवेग, कर्म का, पुरुषार्थ का, परमार्थ का, सेवा का, साधन का तीव्र आवेग, प्राणायाम का तीव्र आवेग। इसलिए हम भस्त्री का कपालभाति अनुलोम विलोम आधा आधा एक एक घंटा करा देते हैं, और उसमें न तस्य रोगो न जरा मृत्यु हो प्राप्त योगाग्निमयम शरीर। इसमें हम अपने विकारों को दग्ध बीज कर लेते हैं, संकल्प मात्र से भी हम अपने विकारों के पार आ जाते हैं। इसको संकल्प समाधि कहते हैं, संकल्प समाधि, योग समाधि, ज्ञान योग से समाधि, ध्यान योग से समाधि, भक्ति से समाधि, कृति से समाधि, कर्म से समाधि, चेतना के जिस धरातल पर हम खड़े हैं उसी के अनुसार हम साधन का चयन करें। इसलिए मैं एक बात बहुत गंभीरता से कहता हूं, मार्ग भेद नहीं है, साधन का भेद है, क्योंकि जीवन अनादि और अनंत है, इसलिए सब एक जैसे साधन नहीं अपना सकते, सबकी चित्त की भूमि अलग अलग है, सबकी पृष्ठभूमि अलग अलग है, सबका प्रारब्ध अलग अलग है, सबका पुरुषार्थ अलग अलग है, सबके अभ्यास अलग अलग है, सबकी मनस्थिति अलग अलग है, सबकी परिस्थितियां अलग अलग है, सबके फील्ड अलग अलग है, कोई कृषि के क्षेत्र में, कोई सामाजिक, कोई आर्थिक, कोई राजनीतिक, कोई धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में, कोई शिक्षा चिकित्सा, कोई अनुसंधान के क्षेत्र में, कोई किस वातावरण में, कोई किस वातावरण में, अपनी मनस्थिति और परिस्थिति के अनुसार साधन का चयन करके साधना से ही साध्य मिलेगा। अपने मन की भूमि में कोई विकार उत्पन्न ना हो, इसके लिए अपनी मनस्थिति को अच्छा रखें, वृत्ति सारूप मित्रत्र ना हो, बार बार एक ही अभ्यास आत्मस्वरूप में बने रहने का, भगवान की शरणागति में बने रहने, शुद्धौसि बुद्धौसि निरंजनौसि संसार माया परिवर्जितौसि तत्त्वमसि प्रज्ञानं ब्रह्मयमात्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम अहम् ब्रह्मास्मि। अपने चित्त में जो प्रसुप्त अवस्था में जो दोष है उनको भी हम तपस्वाध्यायेषु प्रणिधानानि क्रियायोगात् समाधि भावनार्थ क्लिष्ट अनुकरणार्थश्च अविद्यास्मितारागत्विषभिनिवेशः पंचक्लेश प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार। कभी प्रसुप्त होते हैं, कभी विच्छिन्न, कभी रह रह करके आते हैं, कभी कभी तो इतने उभर करके आ जाते हैं कि हम उसी में खो जाते हैं और बह जाते हैं, वही हो जाते हैं, अपने आप को काम क्रोध लोभ मोह अहंकारी मान लेते हैं, वृत्तियों के साथ इतने तादात्म्य से जुड़ जाते हैं कि हम उनसे परे सोच ही नहीं पाते हैं। तो हम अपने भीतर चित्त की वृत्तियों में जो क्या विकार उठते हैं उसे परास्त ना हो, ये हमारे भीतर वीरता हो, ये हमारे भीतर शौर्य पराक्रम हो। इसलिए लोक गीत गाया जाता है, कायर सकेलन झेल फकीरी अलबेला रोके, ये सबसे बड़ा वीरता का मार्ग है, साधना का मार्ग, सन्यास का मार्ग, भगवान की भक्ति का मार्ग, ये सबसे बड़ी वीरता है, कोई पलायन का मार्ग नहीं है। एक पक्ष अपने भीतर विकार उत्पन्न ना होने दें, प्रसुप्त अवस्था में भी उसको भी हम तक बीज करें, निर्बीज करें, उसको भी निरस्त करें,
एक क्षण के लिए भी हमारा शुभ का स्वागत न करें। और जब विकार बहुत घेर लें चारों ओर से तो प्रभु से ही प्रार्थना करें, क्षमा करो हे मेरे प्रभु जी, अब तक के सारे अपराध क्षमा करो हे मेरे प्रभु जी, अब तक के सारे अपराध धो डालो तन की चादर को, धो डालो मन की चादर को, लगे हैं इसमें जो भी दाह क्षमा करो मेरे प्रभु जी, अब तक के सारे अपराध। न जाने कितने जन्म और जीवन बीत गए वासनाओं की आग में जलते जलते, अब तो प्रभु उभारो। तुम तो प्रभु जी मान सरोवर अमृत जल से भरे हुए, तुम तो प्रभु जी मान सरोवर अमृत जल से भरे हुए, पारस तुम हो एक लोहा मैं कंचन हुए जो भी छुए, तज के जग की सारी माया, तज के जग की सारी माया तुमसे कर लो मैं अनुराग, क्षमा करो हे मेरे प्रभु जी, अब तक के सारे अपराध क्षमा करो। फसा रहा मन सच्ची डगर नहीं जानी, काम क्रोध में फसा रहा मन सच्ची डगर नहीं जानी, लोभ मोह मद में रह कर प्रभु कर डाली मैं मनमानी में दिशा गलत रे, मनमानी में दिशा गलत ले पहुंचा वहां जहां है आ, क्षमा करो हे मेरे प्रभु जी, अब तक के सारे अपराध क्षमा करो। तन की सुंदर रचना कर तुमने जो
प्रभु मनुष्य का जन्म देकर के, ये दिव्य जीवन देकर के प्रभु आपने तो अपना सर्वस्व मुझे प्रदान कर दिया। भगवान ने हमें इंसान का जन्म दे दिया, तो ये भगवान का सबसे बड़ा उपकार है, भगवान का सबसे बड़ा अनुग्रह है, एहसान है हम सब जीवों पर, उसकी रहमत है, कृपा है, उसकी आशीष है। मनुष्य का जन्म होना ही ये सबसे बड़ा सौभाग्य है। मनुष्य का जन्म पा लिया तो मानो सब कुछ पा लिया, और ये पाकर के भी हम अभागे रहे हैं, हम जागे नहीं, हम अपनी किस्मत को दोष देते रहे हैं, प्रारब्ध को दोष देते रहे हैं, पुरुषार्थ को दोष देते रहे, दूसरों को दोष देते रहे। आलंबन तो आएंगे, इन सब आकर्षणों से आकर्षित ना होकर के अपने परम आकर्षण का, परम श्रद्धा का केंद्र भगवान को ही बना के रखें, प्रभु तेरी शरण में रहे। इस तन की सुंदर रचना कर तुमने जो उपकार किया, इस तन की सुंदर रचना कर तुमने जो उपकार किया, हमने इस सुंदर तन पर प्रभु अपराधों का भार दिया। अब हम तो हैं शरण तिहार, अब हम तो हैं शरण तिहार, तुमसे प्रीति हो वे दिन रात, क्षमा करो हे मेरे प्रभु जी, अब तक के सारे अपराध उड़ालो, तन की चादर को दौड़ालो, मन की चादर को, लगे हैं इसमें जो विदा, क्षमा करो हे मेरे प्रभु, अब तक के सारे शरणागति में प्रयाश्चित करें, प्रयाश्चित करें प्रभु, अब भूलों से मुझे उभारो प्रभु, अब अपनी शरणागति में लो, आपका तो आश्वासन ही है, तेसाम अहम समुद्रता मृत्यु संसार सागर भवामि न चिरात पार्थ मैया विशत चेतस, प्रभो यदंगदाशसे त्वम अग्निभद्रम करिष्यसि तवेतत् सत्यमंगिरा, न मे भक्तः प्रणश्यति न हि कल्याणकृत् कस्य दुर्गतिं तात गच्छति, क्षिप्रं भवति धर्मतः। सशत् शांति में गच्छति, प्रभो आपकी शरण में, मेरे भीतर जो विकार उठे उनसे भी मुझे उभारो प्रभु, बाहर के बुरे आलंबनों से भी बचाओ प्रभु, और जागृत अवस्था में नहीं स्वप्न में भी जो विकार उठते हैं प्रभु उनसे भी मुझे उभारो, जब स्वप्न में भी विकार न उठे, स्वप्न में भी हम अपने स्वधर्म से, अपने योग धर्म से, अपने अध्यात्म धर्म से विचलित ना हो, स्वप्न में भी कोई किसी भी प्रकार का अशुभ
पाप अधर्म। स्वप्न में भी कोई हम अशुभ में प्रवृत्त ना हो तो समझना कि हम दग्ध बीज हो गए, निर्बीज हो गए, ये कसौटी है। एक एक विकार के पार जाने के लिए पूरी प्रक्रिया का अभ्यास हम करेंगे। प्रसुप्त अवस्था में, विच्छिन्न या उदार अवस्था में कोई भी क्लेश है, अविद्यास्मितारागत विष विनिवेश, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, कोई भी विकार है, कोई भी वासना है, कोई संस्कार है, कोई भी कर्माश है, कोई भी प्रारब्ध दोष है, पुरुषार्थ का अभ्यास का दोष है, आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव के स्तर पर जो दोष है, इनको एक एक करके कैसे हटाना है, यही प्रतिप्रसव साधना है, यही गुणातीत साधना है, यही भावातीत साधना है, यही ट्रांसेंडेंट मेडिटेशन है। गुणातीत होना, भावातीत होना, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना, जीते जी मुक्त हो जाना, जीवन मुक्त हो जाना, देह में रहते हुए विदेह हो जाना, सहज समाधि में, भाव समाधि में, संकल्प समाधि में, सविचार समाधि में जीना, और धीरे धीरे ही सविचार सविकल्प समाधि से फिर निर्विकल्प निर्बीज समाधि में। जीते जी भी मुक्त हो जाना, जीवन मुक्त होकर के जीना, और फिर देह को छोड़ने के बाद भी हम मुक्त ही होंगे। तपश्रद्धे उपवसन्ति अरण्ये शांता विद्वांसः भैक्षचर्यं चरन्त सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्रामृतः सपुरुषह्यव्यात्म। जीते जी भी मुक्त होना है, न जीवन से पलायन, न कोई मौत का गम, और जब देहपात होगा, देह त्याग होगा, तब भी भगवान की शरणागति में ही जाना है। निरंतर ऊंचे उठना, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, अधो गच्छन्ति तामसा, जघन्य गुण वृत्तिस्था, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, जघन्य गुण वृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसाः। सदा सत्व में प्रतिष्ठित रहना, सदा आत्मचेतना में, और आत्मचेतना से जब कभी भी विचलित हो तो तत्क्षण गुरु चेतना, गुरु के आश्रय में, गुरु के आलंबन में, गुरु की सन्निधि में, गुरु के आश्रय में, गुरु चेतना में, ऋषि चेतना में, देव चेतना में प्रतिष्ठित हो जाना, ब्रह्म चेतना, वेद चेतना में, इसी में रहना। यह हमारा सुरक्षित स्थान है, ये योगी का सुरक्षा चक्र है। इस सुरक्षा चक्र से बाहर नहीं निकलना, इस लक्ष्मण रेखा का अतिक्रमण नहीं करना, ये हमारा ब्रह्मास्त्र है, हमारा गुरु, हमारा आचार्य, हमारे शास्त्र, हमारे वेद, हमारी प्राण विद्या या अध्यात्म विद्या, ये हमारा, ये ब्रह्म विद्या हमारी, ये हमारा ब्रह्मास्त्र। इस ब्रह्मास्त्र से, इस ब्रह्म विद्या से, कि सुरक्षा चक्र से बाहर नहीं निकलना, इसी में जीना है। ओम का जप, गायत्री का जप, भगवत शरणागति,
शिवाचिक जप ओंकार का, उपांशु जप, मानसिक जप या अजप अजप, गायत्री का जप। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अशेष श्वासों के साथ ओंकार का जप करना, भगवान का नाम सब रोगों की औषध है और भव बंधन से पार कराने वाली नैया है, नौका है। ये सबसे बड़ा आश्रय है, आलंबन है, साधन है, साध्य। भगवान नाम का आश्रय, मंत्र का आश्रय, और इससे भगवान की महिमा। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। नाम और मंत्र का आश्रय लेकर के भगवान की भक्ति में रहना, भगवान की महिमा का ही चिंतन करना, भगवान की महिमा को ही सुनना, देखना, अनुभव करना। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। जैसे संसार में जिनसे हम गहरी प्रीति करते हैं, माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, मित्र, सखा, अपना कार्य, अपना कैरियर, उससे हम बहुत प्रेम करते हैं और उसमें 8-8, 10-10 घंटे लगातार बने रहते हैं, खूब आनंद करते हैं। जैसे संसार में हम संबंधों में, अपने कर्म में, अपने कर्तव्य में हम घंटों घंटों एकात्म होकर के, तन्मय होकर के, ध्यानावस्थित होकर के, पूरे ध्यान से लगे रहते हैं और उसमें पूर्ण सुख का अनुभव करते हैं, वो कर्म समाधि है, वह भी एक भाव समाधि है, वह एक संबंध समाधि है। यदि हम पूरी पवित्रता से संबंधों में जिए तो भाव समाधि, वो संबंध समाधि, वो कर्म समाधि है, वो सेवा समाधि है, वो पुरुषार्थ और परमार्थ की। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये सर्वभूतहितैरताः सेवा धर्मो परम गहनो योगिनाम अपिगम्यः। ऐसे ही भगवान की भक्ति में हमें रस आने लगेगा, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ने लगेगा। अभ्यास की बड़ी महिमा है। बाहर के संसार के साथ तादात्म्य होकर के जीने का हमारा अभ्यास बढ़ा हुआ है, जिन विषयों के साथ, जिन संदर्भों में, जिन कार्यों में, जिन क्षेत्रों में हम लगे हुए होते हैं, उनमें तादात्म्य होकर के जीने के हम अभ्यस्त हो चुके हैं। अभ्यासों की बहुत बड़ी महिमा है, इसलिए योग का सबसे पहला साधन ही अभ्यास बताया है। तो भगवान की भक्ति में भी जीने का अभ्यास करें और एक एक विकार से कैसे पार जाए, यह हम क्रमशः सीखेंगे ही नहीं, इसको अनुभव करेंगे, इस प्रक्रिया से हम गुजरेंगे स्वयं, क्योंकि एक एक विकार बहुत गहरा है भीतर। जैसे काम का वेग सब प्राणियों में इतना गहरा है, बिना सिखाए सब सीख लेते हैं, और इसलिए कहते हैं श्रीमद् भगवद् गीता में भी, काम ऐशा क्रोध ऐशा, इसको दुरत्यया कहा है, बड़ा मुश्किल है इनको जीतना। कहते हैं बड़े बड़े योगी, ऋषि, मुनि, योद्धा भी परास्त हो जाते हैं, काम का जब वेग उठता है तब उसके प्रवाह में बह जाते हैं, कामांध हो जाते हैं,
ये एक एक विकार से काम का तो इतना बड़ा स्वरूप है कि काम में काम तो है ही, भोग तो है ही, वासनाएं तो है ही, उसमें कामनाओं में ही व्यक्ति इतना पागल और अंधा होता है कि काम और कामना इन दोनों के पार नहीं जा पाता, निष्काम नहीं हो पाता। जीवन की अध्यात्म की दो सबसे बड़ी उपलब्धियां गिने जाती हैं, अकाम होना, अलोभ होना। तो काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, अहंकार से पार कैसे जाएं, इस साधन को क्रमशः करेंगे। इसकी एक प्रक्रिया है, इसका एक प्रोसीजर है, इसका एक मैकेनिज्म है। उससे गुजरते हुए कैसे हमें निर्बीज होना है, दग्ध बीज होना है, निर्विकार होना है, निर्विचार होना है, निर्द्वंद होना है, निर्भय होना है, अभय पद को पाना है। आज के ध्यान को बस इसी संकल्प के साथ पूरा करते हैं। प्रभु आपके आश्रय में बने रहे, आपकी शरणागति में। हे नाथ, हे नारायण, बस आपको भूले नहीं, आपकी शरणागति में रहे। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, जय हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरे शरणम, जय हरे शरण, हरे शरणम, हरे शरणम, हरे शरणम, जय हरे शरणम, हरे शरणम, हरे शरणम, हरि शरणम, जय हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, जय हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, जय हरि शरणम। प्रभु आपकी शरणागति। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, विनती स्वीकार करो, भूल दिखा कर उसे मिटा कर, भूल दिखा कर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो, पीड़ हरो हरो, पीड़ हरो हरि, पीड़ हरो, पीड़ हरो हरि, पीड़ हरो, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर,
शर हे परमेश्वर हे हृदय हे सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे परमेश्वर हे प्राणेश्वर सदा आपकी शरणागति में रहो, आपकी भक्ति में रहो। भक्त्या तु अनन्यया शक्यो अहम् एवं विधो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। प्रभु आपकी भक्ति का दान दो, आपकी शरणागति में सदा उठते बैठते सोते जागते प्रतिपल आपकी शरण मेरा। हे नाथ हे नारायण तुझे भूलो नहीं, तेरे अंग संग जी तेरे आश्रय मेरा। और मेरी अंतरात्मा में हे मेरे परमात्मा जो आप प्रेरणा करते हो बस वैसे ही जियो। शांति शांति ही। आज का ध्यान का अभ्यास यही पूरा करते हैं। अब क्रियात्मक योगाभ्यास में प्रवेश करते हैं। जैसे तन के बहुत रोग हैं,